Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video we are going to discuss about Indian Institute of Science Bangalore. IISc Bangalore karke ye college hai. So what are the points which we are going to discuss about? Courses, seats, expected expenses, cutoffs, entrance exam, eligibility, admission process, batch profile and placement scenario. So this is one of the very very good institutes in India for MBA. Bahut kam seats hai. लेकिन बहुत अच्छा पैकेज है एंड बहुत तगड़ा बैच प्रोफाइल रहता है. सिर्फ आप देखोगे सो एमबीए ऑफ मैनेजमेंट एमबीए मास्टर ऑफ मैनेजमेंट सीट्स हैं, सॉरी एमओएम देते हैं ये मास्टर ऑफ मैनेजमेंट्स इन बिजनेस एनालिटिक्स. सिर्फ 15 सीट्स है कॉलेज में. उसमें भी आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है कॉलेज का बहुत कम हो जाता है 2.66. ठीक है, ट्यूशन फी एनुअल, तो ये एनुअल एक्सपेंसेस है. ओके, स्टूडेंट इमरजेंसी फंड, ट्यूशन फी एनुअल 1.7, तो ऑलमोस्ट हम लोग पकड़ के चलते 5 लाख प्लस का फीस है इनका. ठीक है, एंड अदर एक्सपेंसेस, अभी बैंगलोर में रहने जा रहा हो तो लाइफ स्टाइल का मेंटेन करने का अपना अलग एक्सपेंसेस रहेगा, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे है, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा. इनके वेबसाइट के हिसाब से जो डेटा है, द एंट्रेंस एग्जाम एंड कट ऑफ्स आर different for different exams, but the exams which they accept are CAT, GATE and GMAT. So you will be surprised to see what is this GATE. This is the entrance exam for the engineers. The eligibility for this exam is you need to have the graduation degree in engineering background. So kya isi ka matlab ye hai ki the college, the 15 seats are only for engineers? Yes. Eligibility itself says that the qualification with required GATE paper in brackets or the eligibility of the candidate must be BE or BTEC or equivalent degree with a valid GATE or CAT or GMAT score. Areas of study, business analytics. ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत हाई लेवल का कट ऑफ जाता है इसका. GATE बोलो, CAT बोलो या GMAT बोलो, कोई भी. एडमिशन प्रोसीजर हर एक की तरह सिंपल है, भले ही 15 सीट्स के का इंटेक है सिर्फ, लेकिन फिर भी दे हैव अ रिगरस एडमिशन प्रोसेस. बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, उसके बाद भी दे विल कॉल यू एंड दे विल ग्रिल यू इन ग्रिल नहीं बोलेंगे, बट दे विल टेस्ट यू बेस्ड ऑन योर एसेज एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरव्यूज. राइट, तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए वो एक तो वैक कंडक्ट करते हैं या तो फिर GD कंडक्ट करते हैं. ठीक है, एंड दीज आर द वेटिंग. एंट्रेंस एग्जाम का 15%, अंडर ग्रेजुएट परफॉर्मेंस का 15%, कम्युनिकेशन स्किल का 30% एंड इंटरव्यू को सबसे ज्यादा वेटेज. ये आप कैट 2020 देखोगे तो ये 2020 मतलब जो बैच ने 2021 में एडमिशन लिया है उनके लिए था, अभी तक का उनका अपलोड होना अपडेट होना बाकी है. सो बैच प्रोफाइल का जो लिंक है गाइज, ये मैंने यहाँ पे दिया है, इसका लिंक मैंने नीचे भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 15% का बैच प्रोफाइल लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम लोग भी रहते हैं उनके वेबसाइट पे जाके देखें. सो प्लीज गिव मी 1 मिनट. सी गाइस, जो मैं बैच प्रोफाइल बहुत तगड़ा रहता है, बहुत तगड़ा रहता है बात कर रहा हूँ ना, देखो अल्फाबेटिकली है 15 स्टूडेंट्स का. आप यहाँ पे आराम से जाके देख सकते हो कि किस तरीके का बैच प्रोफाइल रहता है इन लोगों का. बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स फ्रॉम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 16 months of work experience in American Express, 7 months, EXL Analytics, 9 months. Experience भी देखो. Senior Business Analyst and so on. अच्छा profile है Senior Business Analyst मतलब. This guy, it is BTEC Electrical and Electronics Engineering from Jawaharlal Nehru Technical University, 38 months work experience in JP Morgan Chase. Company के नाम सुनते ही flat हो जाएंगे आप. 30 months experience in Modulytics India Private Limited, University Ramaiah Institute of Technology, University Netaji Subhash Chandra Bose Engineering College. ठीक है, ये तो मैंने मुझे नहीं पता है अभी, आई माइट नॉट बी अवेयर. 35 months TCS. ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर बिजनेस एनालिटिक्स. तो बिजनेस एनालिटिक्स से एनालिटिक्स का जो कोर्स है उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ प्रोफाइल होना जरूरी होता है. फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस है फ्लिपकार्ट में. राइट, 3 years का एक्सपीरियंस है PwC, which is a very very good Big 4 consulting firm.
राइट एंड सो ऑन। तो ये आप डिटेल में जाके इनके प्रोफाइल्स देख सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डालूंगा मैं इसमें। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, प्लेसमेंट सिनेरियो। बहुत छोटा क्रिस्प इन्फॉर्मेशन, कुछ डिटेल में नहीं दिया है। एक्चुअली आई वाज सरप्राइज टू सी दिस, कि कुछ भी नहीं दिया है भाई। एवरेज आपको क्या करना है, 15 बच्चों का एवरेज सैलरी मिल जाएगा, मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगा, मीडियम पैकेज 24 का बस ना भाई, और क्या चाहिए। 5 लाख 6 लाख का फी भर रहे हो, 2-4 लाख एक्सपेंसेस मेंटेन कर रहे हो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, और 25 लाख का 20 लाख का 22 लाख का पैकेज उठा रहे हो, पास करो, खुश रहो। कंपनीज भी देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है, सिटी कॉप, वॉलमार्ट, मैकिंजन कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक, कॉग्निजेंट, ABW, एबीन बेवरेज, GAC, KPMG, शेल, थॉमसन रॉयटर्स, विप्रो, इंफोसिस, एंड सो ऑन। सेट है ना भाई लाइफ, राइट? करो अच्छे से पढ़ाई इफ यू आर एन इंजीनियर, एंड इफ यू आर टारगेटिंग दिस कॉलेज ट्राई टू अपियर फॉर 3 एग्जाम्स, GATE, CAT एंड GMAT। बेस्ट ऑफ लक।